हुसैन, करबला और इंसानियत। दादी ने चूल्हे से कोयले के चंद टुकड़े हुक्के पर रखे और अपनी हथेलियों पर सूखे तंबाकू को मसल कर चिलम ताजा की। छोटी सी पीढ़ी खींचकर मेरे पास आ बैठी। पीढ़ी हमारे यहां पोठोहार खित्ते में जमीन से लगी कोताह कद कुर्सी नुमा रिवायती नशिस्त होती है। कच्ची मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियां उंडेलने वाले उससे बखूबी वाकिफ होंगे। मैं आंगन में लगी दरेक की छांव में बैठकर तब या तो कच्ची मिट्टी से खेला करता था या जमीन पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर वैसे ही लफ्ज बनाने की कोशिश करता था जैसे किसी किताब में लिखे नजर आते थे। दरेक पोठवार में नीम के पेड़ जैसा एक दरख्त है जिस पर कड़वे नमोली, जिन्हें हम मकामी जुबान में तिरकुन्नू कहते हैं, उगते हैं। फिर कभी कभी कोई किताब मिल जाती तो पढ़ना न आने के बावजूद मैं उसकी सत्रों पर उंगलियां फिरता रहता। दादी अक्सर पासा बैठती, किताब से कोई सतर पढ़ लेती तो मैं फौरन उसे याद कर लेता कि अगली बार इस सतर पर उंगलियां फिरते हुए लफ्ज होंठों पर उगल आए और तासुर ये हो कि मुझे पढ़ना आ गया है। मेरी उम्र उस वक्त कोई 3 या 3.5 बरस के लगभग होगी। सख्त धूप में दरेक का वो पेड़ सारी हिद्दत अपने सर पर रख लेता था और धूप की कुछ किरचियां जमीन पर सिक्कों की तरह फेंक देता था जो मेरी उंगलियों से मट्टी पर धरे लफ्जों में गुम हो जाती थी। और कई बार यही मालूम नहीं होता था कि धूप के हिंसे कौन से हैं और मेरी उंगलियों से जने गए हर्फ कौन से। स्याह और सफेद का तासुर ही खत्म हो जाता था। दादी पास आ बैठी तो तब मेरे हाथ में उर्दू की एक किताब थी जिसके शायरी वाले हिस्से में मीर अनीस का एक नोहा था। दादी पास आई तो उस वक्त मैं मीर अनीस ही के उस नोहे के मिसरों पर पढ़ना ना आने के बावजूद बस उंगलियां दौड़ा रहा था। दादी ने उस नज्म का पहला बंद पढ़ा और मैंने उसे फौरन याद कर लिया। वो नोहा आज तक मुझे हर्फ ब हर्फ याद है। चलते थे चार समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, तीरे सितम निकालने वाला कोई नहीं, गिरते थे और संभालने वाला कोई नहीं, जख्मों से चूर चूर हुआ फातिमा का लाल, सरवर रियाज अहमद व हैदर हुआ निढाल, चेहरे पे खून मल के बसद हसरत व मलाल, की अर्ज शहने शुक्र है अब रब्बुल जलाल, बचपन से रोज शब थी यही आरजू मुझे, या रब तेरे करम ने किया सुरखुरू मुझे। मैंने कहा दादी ये हुसैन कौन थे और उन्हें किसने मारा। दादी ने हुक्के की नाल मुंह से हटाई और एक लम्हे को बस मेरी तरफ देखने लगी। उन्हें जवाब देने में शायद कोई मुश्किल पेश ना आती मगर उस लम्हे की खामोशी की वजह यकीनन योगी के इतने छोटे से बच्चे को ऐसा क्या बताया जाए कि यह समझ भी जाए। फिर उनकी झुर्रियों वाले नर्म हाथों ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। कहने लगी जैसे तुम मेरे बेटे हो ना वैसे ही हमारे पैगंबर के बेटे हुसैन थे। तुम मेरे बेटे के बेटे हो और हुसैन हमारे आका के नवासे थे। जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ ना उससे भी ज्यादा प्यार हमारे पैगंबर अपने हुसैन से करते थे। एक लम्हे को मेरे हाथ की गिरफ्त अपनी दादी के हाथ पर बढ़ती चली गई। हमारे पैगंबर और हुसैन के नाना ने कहा था कि नाइंसाफी को किसी सूरत तस्लीम न करना और जालिम के साथी मत बनना। हुसैन ने वही किया जो उनके नाना ने कहा था। एक जालिम बादशाह यजीद का साथी बनने से बेहतर उसके सामने खड़े हो जाने को पसंद किया। कोई फौज भी नहीं थी मगर फिर भी लड़े और यजीद की फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। वो जान देकर ये बता गए कि हालात कुछ भी हों सारी कायनात की फौजें भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, जालिम के पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो मगर हक की राह से मत हटना और जालिम का साथी मत बनना। फिर तुम्हें मारने वाले खुद मर जाएंगे मगर तुम हमेशा जिंदा रहोगे। दादी के अल्फाज इसी तरह के थे शायद कुछ, मैं उन्हें उस वक्त याद नहीं कर पाया था। मगर हुसैन की शहादत का जिक्र करते हुए बैक वक्त दुख और यकीन की आवाज कैसी होती है
वो दादी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझा दी थी और उसकी गुमक हुसैन का नाम सुनते ही अब भी सुनाई देने लगती है। तारीख की सबसे बुरी बात यह है कि वो हमेशा मुबहम होती है, उसमें स्याह और सफ़ेद कुछ नहीं होता। झूठ और सच की मिलावट इतनी होती है कि आप कभी दुरुस्त और गलत में आसानी से फ़र्क कर नहीं सकते। आप किसी भी तारीख के वाकये को देखें, वो फ़कत उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक आप उस पर सोचो विचार नहीं करेंगे, मगर जैसे ही सवालों की कसौटी पर आपने उसे परखने की कोशिश की, वो वाकया धीरे धीरे उधड़ना शुरू हो जाएगा। मगर करबला का वाकया नहायत अजीब है। इस वाकये का सबक बहुत ही गैर मामूली है। इमाम आली मकाम ने एक नहायत सीधी सी लकीर खींच दी है हक और बातिल के दरमियान। आप किसी इल्मगाह में जाइए, इस वाकये पर सवाल कीजिए, इस वाकये के होने या ना होने की बहस भी कीजिए, इस पूरे वाकये को फकत एक कोई फर्जी कहानी ही क्यों ना समझ लीजिए, मगर ये लकीर फिर भी कायम रहती है। एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है, एक तरफ मजलूम है, एक तरफ जालिम है, एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ दरवेशी है, एक तरफ जुल्म है, एक तरफ इनकार है, एक तरफ बैत है, एक तरफ बगावत है। जॉन इलिया ने कहा था, अब तो हुसैन बाद जमाने की मान लो, क्या ये शिगाफे सीनाए असगर भी कुछ नहीं। मैं चूंकि शिया नहीं हूं, इसलिए मुझे शिया दोस्त अगर माफ कर दें तो एक जसारत करना चाहूंगा। हुसैन और यजीद के दरमियान लड़ाई करबला के मकाम पर नहीं हुई, बल्कि उससे बहुत पहले हुसैन और यजीद के दिमाग और रूह में हुई थी। करबला में मादी तौर पर कोई भी कह सकता है कि हुसैन का 72 अफराद का लश्कर शिकस्त खा गया और हुसैन की बड़ी फौज फतेहयाब हो गई, मगर कहानी असल में मुख्तलिफ है। हुसैन और यजीद के दिमाग में, उनके अंदर होने वाली इस जंग में, इस मार्के में जो करबला से पहले हो चुका था, हुसैन फतेहयाब हो गए थे इसलिए शिकस्त खाने करबला पहुंचे थे। यजीद अपने अंदर की लड़ाई हार गया था इसलिए उसे करबला में लश्कर भेजना पड़ा। हुसैन ने शिकस्त और फतह की तारीफ ही बदल कर रख दी है, और इसलिए इमाम हुसैन ना शियों का मसला है, ना मुसलमानों का मसला है, बल्कि ये इंसानियत का मसला है। करबला का पैगाम आफाकी है, करबला कभी दोबारा नहीं हो सकता, हुसैन कोई और नहीं हो सकता, मगर यजीद हर दौर में मौजूद होगा। और हुसैन क्योंकि ये जंग पहले ही जीत चुके हैं, इसलिए अब उन्हें किसी और लड़ाके लड़ाई या किसी और मार्के की जरूरत नहीं है। अब उनके लश्कर में शामिल आम लोगों को ये लड़ाई लड़ना और जीतना है। जो जो जीतता जाएगा, बाद के हर मार्के से मावरा होता जाएगा। या हुसैन ये हदिया कबूल हो। सहराए करबलाए रहे आशिकां के बीच, खुशबू सी फूटती है यहाँ हमराहां के बीच, अब भी चिराग पूरी तमाजत से है फरोज, खैमाए खानवादाए शहजादगां के बीच, रंजे शिकम तश्ना लबी सबरे हाओ हु, ये गुफ्तगु नहीं है सहूलत गरां के बीच, तेगाए दुश्मना से कलम हो रहे हैं सर, लेकिन है सर फराज सफ़े दुश्मना के बीच, सीनाए बूथुराब की चौखट है करबला, यानी हुसैन दम है गमे खानदान के बीच, सहराए करबलाए रहे आशिकां के बीच।